हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज बात करने वाला हूँ इंडियंस वर्सेस ट्विंस बेसबॉल मैच के बारे में, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में। और दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैं आपको ग्रैंड लीग की 6 टीमें देने वाला हूँ, तो 6 टीमों के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इस ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक सेकेंड इसको ओपन कर लेते हैं। इस ग्रैंड लीग की आपको 6 टीमें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अब बात कर ली जाए कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, कि टीम का परफॉर्मेंस क्या कुछ रह रहा है। तो सबसे पहले बात करूँगा इंडियंस के बारे में। तो दोस्तों, इंडियंस जो टीम है वो काफ़ी ठीक ठाक टीम लगी मुझको, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको मैं बारे में बात करूँ तो इन्होंने अभी तक 135 मैच प्ले किए, यानी कि 135 मैच प्ले किए, जहाँ पर 68 में विन और 67 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी टीम है। मैं वही बात करूँ ट्विंस के बारे में, तो दोस्तों ट्विंस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्होंने 137 मैच प्ले किए हैं, 137, जहाँ पर 60 में विन और 77 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है दोस्तों, जो इंडियंस है वो ज़्यादा अच्छी खासी टीम है ट्विंस से। तो इस मैच का जो कॉम्बिनेशन होने वाला है वो आपको 4-5 या फिर 5-4 का ट्राई कर सकते हैं अपनी स्मॉल लीग के लिए। बाकी जो 6-3, 3-6 एक कॉम्बिनेशन होंगे वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, वो आपको ग्रैंड लीग के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको टीम दूंगा, वो प्लेयरों के स्टैट निकालूंगा, स्टैट निकाल के एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस करने के बाद आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पर। और दोस्तों, मेरी मेहनत लाइक लुक कर दिया करो यार, क्या कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक टीम बनाने में पसीना निकल जाता है। दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट है, और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी टीम प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करेंगे, तो बताऊंगा कि आपको अपनी टीम में किस ऑफ फील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किन कैचर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा ऑफ फील्डर सेक्शन से। तो ऑफ फील्डर सेक्शन दोस्तों, मैंने कैप्लर और दोस्तों जिमर इन दोनों को ट्राई किया है। दोस्तों, मैं इनके स्टैट आपको नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज मुझे थोड़ा हेड जो मैंने मेरे को सर में थोड़ा दर्द है, तो मैं छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ दोस्तों आज के मैच के लिए। बाकी मैं स्टैट अपने आप निकालूंगा दोस्तों, स्टैट निकालने के बाद आपको काफ़ी अच्छा टीम पढ़ूंगा टेलीग्राम पर। तो टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कैपर और जिमर आपके लिए बेस्ट दोस्तों बेस्ट चॉइस होने वाले ऑफ फील्डर सेक्शन से, इससे बड़ी चॉइस दोस्तों नहीं होने वाली है। बाकी बार लाइनअप आएगा तो क्या प्लेयर किसी न्यू प्लेयर को मौका दे दिया जाए, तो उनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करने वाले हैं। और मैं कॉम्पिटिशन बारे में बात करूँ तो मैंने 5 और 4 का कॉम्बिनेशन इस मैच में ट्राई किया है। दोस्तों, रैमिरेज इस मैच का दोस्तों सबसे बड़ा प्लेयर, और पलेंको, ये दोनों प्लेयर दोस्तों इस मैच के सबसे बड़े होने वाले हैं। मैं इन दोनों में से कैप्टन और कैप्टन चूज करने वाला हूँ, क्योंकि इनसे बड़ा प्लेयर बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, रैमिरेज को परफॉर्मेंस है वो डाउन चल रहा है पलेंको से, और पलेंको के बारे में बात करूँ दोस्तों, पलेंको को खोल लेते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इस आज के मैच में इनको अपनी टीम में कैप्टन लेके चलने वाला हूँ दोस्तों। और रैमिरेज के बारे में बात करूँ तो इनका परफॉर्मेंस उनसे डाउन है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, इनको अपनी टीम में वॉइस कैप्टन की जगह देने वाला हूँ। डोनाल्डसन दोस्तों, पिछले मैच का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन था, काफ़ी डाउन, उससे पिछले मैच आपको देखने को मिलेगा कि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है। तो बिना किसी प्रॉब्लम के हम डोनाल्डसन को अपनी टीम में एज अ प्लेयर लेके चल सकते हैं। दोस्तों, सानो के बारे में बात करूँ तो सानो का परफॉर्मेंस पिछले मैच में काफ़ी नेक्स्ट लेवल था, 18 पॉइंट कलेक्ट किए थे। और दोस्तों, मैंने सानो का क्या कहते हैं कि स्टैट निकाला था और बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था सानो को, लेकिन सानो का परफॉर्मेंस को मुझे देखते हुए लग नहीं रहा था कि 18 पॉइंट कवर कर लेंगे, मुझे लगा था कि 8 पॉइंट ही कवर कर पाएंगे, जब उन्होंने 18 पॉइंट कवर कर डाले और मेरी प्रेडिक्शन फेल कर दी। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सानो को अपनी टीम में रखा, और जिसने उस मैच में पैसा लगाया उसने अच्छा खासा विन भी किया होगा। ब्रांडली के बारे में बात करें दोस्तों, तो ब्रांडली का परफॉर्मेंस पिछले दोनों मैच में काफ़ी अच्छा खासा है। बाकी दोस्तों, मैं आपको स्टैट खोल के दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों, ब्रांडली का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, तो हो सके तो अपनी टीम में एज अ वॉइस कैप्टन को ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ग्रैंड लीग की टीम आपको दे दूंगा। दोस्तों, बात करूँ क्वांटल के बारे में, तो क्वांटल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आज की मैच इनको प्ले का मौका दिया जाएगा तो मैं कन्फर्म आपको अपनी टीम एक टीम में वॉइस कैप्टन लेके चलने वाला हूँ दोस्तों, कन्फर्म आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बात करूँ कैचर के बारे में, मैंने हेज को ट्राई किया दोस्तों, परफॉर्मेंस दोस्तों पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था। और कैचर, कोई भी कैचर आपके लिए 10+ पॉइंट कवर कर रहा है तो दोस्तों आपके लिए सोने पे सुहागा है वो, क्योंकि कोई भी कैचर इतनी ज़्यादा पॉइंट कवर नहीं कर पाता है किसी भी बेसबॉल मैच के अंदर। टीम का प्रयोग करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैंने 2 आउटफील्डर, 5 इनफील्डर, 1 पिचर और कैचर को चूज किया है। दोस्तों, आउटफील्डर के लिए आपके लिए इससे बड़ी चॉइस हो ही नहीं सकती। अब बात है दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन के बारे में,
दोस्तों जो दुनिया होगी आपका जो अपोजिट होगा वो रेमरेज को कैप्टन और वो कैप्टन पलेंको को रखने वाला है बिकॉज ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर कैप्टन की रेमरेज की ज़्यादा है और पलेंको की कम है। लेकिन मैं चाहूँगा दोस्तों आप पलेंको को अपनी टीम में कैप्टन और रेमरेज को अपनी टीम में वाइस कैप्टन ट्राई कीजिएगा। इस मैच खत्म होने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलेंगे और दोस्तों जो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट होते हैं वो आप शेयर कर दिया कीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको विनिंग स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूँगा और दोस्तों आपको शाउट आउट भी करूँगा हर वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मैं इसको कंटिन्यू करके सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों एक प्लीज़ से मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।